अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे पंजाबी स्टाइल राजमा चावल की रेसिपी सिंपल और इजी वे में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। 2 कप राजमा लेंगे, ओवरनाइट के लिए भीगने रख देंगे हम। भीगने के बाद हमारे राजमा अच्छे से फूल जाएंगे। देखिए कुकर में हम इसे बनाएंगे। कुकर में 4 से 5 लौंग, 2 बड़ी इलायची और तेज़पत्ता डाल के और 1 आलू का छिलके निकाल के हम 1 लीटर पानी में बॉईल कर लेंगे राजमा को। 3 से 4 विजल में हमारे राजमा बन के रेडी हो जाएगा। जब तक राजमा बनेगा हम ग्रेवी बनाएंगे। ग्रेवी के लिए 4 से 5 चमचे ऑयल, उसमें ऐड करेंगे हम जीरा पाउडर, जीरा, उसमें सूखी लाल मिर्च ऐड करेंगे 2, अच्छे से थोड़े से भून लेंगे। साथ ही में ऐड करेंगे 2 प्याज बारीक कट करके। हमें प्याज को गोल्डन ब्राउन नहीं करना है, सिर्फ सॉफ्ट करना है हमें। हम इसमें ऐड करेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट 1/2 टीस्पून, अब इसमें ऐड करेंगे नमक 1/2 टीस्पून, साथ ही में ऐड करेंगे हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून, मिर्ची पाउडर 1.5 टीस्पून, 1/2 टीस्पून देगी मिर्च भी ऐड करेंगे कलर के लिए। अच्छे से मसालों को भून लेंगे। मसालों को अच्छे से भूनने के बाद हम 2 टमाटरों को पीस के ऐड करेंगे, टमाटो प्यूरी। टमाटे जब हमारे अच्छे से भून चुके हैं, देखिए फ्रेंड्स ऑयल रिलीज़ हो रहा है हमारा। साथ ही में हम देखेंगे राजमा हमारे पक गए क्या, चलिए खोल के देखते हैं। देखिए राजमा हमारे पक गए, खड़े जो मसाले हम डाले थे पूरे निकाल लेंगे। साथ ही में हम देखेंगे कि हमारे टमाटे अच्छे से भुन गए। मसाले ऐड करेंगे गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून, ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून, धनिया पाउडर 1 टीस्पून, अच्छे से मिला लेंगे। कसूरी मेथी ऐड करेंगे 2 पिंच ऑफ कसूरी मेथी का पाउडर। कसूरी मेथी से हमारे राजमा में फ्लेवर अच्छा आएगा। अच्छे से मिक्स कर लेने का है हमें। चलिए हम राजमा ऐड करेंगे इसमें। जो हम बॉईल पोटैटो डाले थे उसको मैश कर लेंगे। थोड़ा सा मैश करेंगे, इससे हमारी ग्रेवी अच्छी बनेगी, थिक बनेगी हमारी ग्रेवी। थोड़ा सा उबाल आने देंगे हम। देखिए फ्रेंड्स कितनी थिक हमारी ग्रेवी बनके तैयार हुई है। इसमें हरा धनिया ऐड करेंगे, 2 चमचे घी ऐड करेंगे, देसी घी, खुशबू अच्छी आएगी हमारे राजमे में। खुशबू अच्छी आ रही थी माशाल्लाह। चलिए अब सिंपल वे में हम ज़ीरा राइस बनाएंगे। 2 चमचे तेल डाल देंगे इसमें ज़ीरा, और ज़्यादा मसाले हमें ऐड करना नहीं है, थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे ऑयल में। इसमें हरा धनिया डालेंगे और 2 स्लिट हरी मिर्च ऐड करेंगे। नमक ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून, अब हम इसमें चावल ऐड करेंगे। ये मेरे पास पके हुआ चावल था, मैंने उसी से ज़ीरा राइस बना लिया। अच्छे से मिक्स कर देंगे।
हमारा ज़ीरा राइस भी बनके रेडी है फ्रेंड्स। लिड लगा के 2 मिनट के ऐसे हम छोड़ देंगे फ्लेवर्स इन्हेंस होने के लिए। तो चलिए, ज़ीरा राइस और राजमा हमारा बनके रेडी है। अगर हमारी रेसिपी आपको पसंद आई है, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉच।